जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बिठा करके झुंझुना थमा दिया वही आज बोल रहे। क्रिमिनल, क्रिमिनलों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। जिन लोगों को जनता ने झुंझुना दिखा दिया, नरेंद्र मोदी ने बिहार में 8 मंत्रियों के सहारे बिहार के विकास को दोनों सरकार मिलकर के हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। मोदी सरकार में लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह मंत्री पद का प्रभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पटना पहुंचे और उस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश और जुनून कैसा था आप तस्वीरों में देख सकते हैं। स्वागत के लिए एक बड़ी भीड़ एयरपोर्ट पर उमड़ी हुई थी। गिरिराज सिंह जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के खूब नारे लग रहे थे। और जिस तरीके से अब बिहार सरकार के साथ मिलकर केंद्र के द्वारा काम करने की बात कही जा रही है, एक बार फिर से गिरिराज सिंह ने उसी बात को दोहराया है। लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के मंत्रियों को झुंझुना थमा दिया गया। हालांकि इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए थे, गिरिराज सिंह ने उस पर भी जवाब दिया है। सबसे पहले सुनिए गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। जिन लोगों को जनता ने झुंझुना दिखा दिया, नरेंद्र मोदी ने बिहार में 8 मंत्रियों के सहारे बिहार के विकास को दोनों सरकार मिलकर के हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। किसानों के, मजदूरों के, बुनकरों का ये लक्ष्य है और जनता को बहुत बहुत बधाई। बार बार कानून व्यवस्था में सवाल उठा रहे हैं, यादवों को टारगेट किया जा रहा है। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं यादवों को यादवों को मारा जा रहा है। यादव कह रहे हैं कि क्रिमिनल, क्रिमिनलों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। चेयर पर ये सरकार है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बिठा करके झुंझुना थमा दिया वही आज बोल रहे हैं। तो अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को केंद्र में उन्हें कपड़ा मंत्रालय की एक बड़ी जिम्मेवारी मोदी सरकार में मिली है और मंत्री का प्रभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पटना पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर हुजूम उनके समर्थकों का उमड़ा हुआ था स्वागत के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए थे, जो झुंझुने वाली बात कही थी और जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए थे, उस पर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।